हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बॉबी डार्लिंग उर्फ समोसा क्रिटिक उर्फ खान हेटर्स उर्फ चचा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बुढ़ों की बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये चचा की बात करेंगे जिन्होंने यूट्यूब इंडिया में पिछले 5 से 6 सालों में इतनी गंद मचा के रखी कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब आप अपने $2, $3, $4 यानी कि 150-200 के लिए किसी बड़े स्टार, किसी मेगा स्टार के बारे में इतनी ज़्यादा हेट फैलाओ जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप किसी भी एक एक्टर को पसंद नहीं करते हो, अगर आप उसकी मूवी पसंद नहीं करते, तो आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाओगे या दो वीडियो बनाओगे, अपनी जो भी दिल की भड़ास है वो निकालोगे। लेकिन जब 15 से 18 वीडियोस बना देते हो, तब हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो भाई कुछ ओवर ही कर रहा है और ये फालतू की हेट फैला रहा है जिसको अभी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब तक मूवी रिलीज़ होती नहीं है, हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि यार ये मूवी इतनी बड़ी डिज़ास्टर है। तो मैं उन भाई साहब को इतने बोलूँगा कि मुझे पता है कि तुम एक खान हेटर हो, क्योंकि तुमने आमिर खान को एक एवरेज एक्टर बोला जो कि हम नहीं समझते। लेकिन अगर तुम समझते हो तो यार वो तुम्हारा ओपिनियन है। लेकिन उसके अलावा शाहरुख और सलमान के पीछे तो तुम इस तरह से पड़ जाते हो जैसा लगता है कि जब 1994 में जब हम आपके हेकॉन रिलीज़ हुई थी, तो उसमें जो टफ़ी था ना, टफ़ी, उस टफ़ी ने तुम्हारे साथ लगता कुछ ऐसी कांड की है जिसके बाद से आप हाथ धो के सलमान के पीछे पड़ चुके। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई बताओ। खैर, अब लोग बात करेंगे बॉबी डार्लिंग के उन वीडियोस पे जिस पे उन्होंने राधे की जमकर बुराई की है, जमकर तारीफ की है। ये बंदा वो है जिसको यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको तारीफ करनी है या बुराई करनी है। अब मैं उनके लिए इतना ही बोलूँगा कि ये भी उन यूट्यूबर्स में से निकले जो सलमान खान सॉरी, जो सलमान खान कुछ सीखो, अरे यार इस मूवी में सलमान खान है, मतलब इनको सलमान खान से नफरत भी है, सलमान खान की बुराई भी करनी है और व्यूज़ भी इन्हीं के नाम पे विलेन है। तो मतलब ये है कि आपको गुड़ खाना है और गुलगुले से परहेज करना है। वाह भाई वाह, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। खैर, सबसे पहले जब राधे इज़ अ डिज़ास्टर इन्होंने वीडियो बनाया, तो उसमें इन्होंने कहा कि ट्रेलर बहुत डिज़ास्टर है, VFX गंदे है, ये एक बड़ी फ्लॉप मूवी होने वाली है, ये OTT पे आ रही है, मतलब तमाम बुराई की। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने एक जगह पे तारीफ की कि भाई जो डायलॉग्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सिटी मार डायलॉग है, एकदम पैसा वसूल डायलॉग है, अगर ये थिएटर में रिलीज़ हो जाते तो यार ऑडियंस फुल टू मचा डालती। लेकिन दूसरे ही वीडियो में जहाँ पर उन्होंने डायलॉग प्रोमो का वीडियो रिव्यू किया है, वहाँ पर बोला है कि इसके डायलॉग एकदम पैथेटिक है, एकदम बेकार है, यार किसने लिखा इतना सड़े हुए डायलॉग। इन्होंने ये तक बोल दिया उस वीडियो में कि सलीम जावेद जो कि 70s में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाते थे और उन मूवीज़ के जो डायलॉग होते थे वो कितने ज़बरदस्त होते थे, जैसे कि शोले के डायलॉग्स और दीवार के डायलॉग्स, ये सब उनका बोला हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। पसंद 3 कुत्तों के सामने मत नाचना, कितने आदमी थे, 13 क्या होगा कालिया, या दीवार का तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास माँ है, यानी कि उनको इस तरीके के डायलॉग्स चाहिए था। मेरे भाई, इतने बड़े डोगले इंसान हो तुम, अगर सलमान खान ये सारे डायलॉग यूज़ भी कर लेता ना, तो फिर तुम बोलते यार वो 70s का टाइम था, ये 2021 का टाइम है, यार कुछ तो शर्म करो यार, तुम लोग को कुछ भी नहीं मालूम, डायलॉग यूज़ कर लिए, तुम्हारे मुंह पे सूट भी नहीं कर रहे, मतलब ये फौरन पलट जाता और देखो यहाँ पर किसी चूतपंथी वाली बातें कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, उसके अलावा राधे टाइटल ट्रैक में जब सलमान खान ने जो डांस किया, तो भाई को उसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब एक जगह पे उसको खिला मार के खड़ा कर दिया ऐसा लग रहा है। तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँ कि अगर आपने वांटेड मूवी देखी थी जिसमें मोस्ट वांटेड ट्रैक था, तो उसमें भी भाई ने कोई स्टेप नहीं किए थे। अगर आप वीडियो जाके चेक करोगे ना, तो वो ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हैं, वो अपने हाथ हिला रहे हैं और उसी में ऑडियंस ने उनको इतना पसंद किया। तो अभी भी अगर भाई ने वो सारी चीज़ें की है, तो वो भाई पर सूट भी करती है। मैं यहाँ पर सलमान खान का कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मुझे तारीफ करनी है, लेकिन जो चीज़ जिसपे सूट होती है बंदा वही चीज़ करता है। और सलमान खान अगर खड़े रह के भी डांस करे तो भी ऑडियंस खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने फेवरेट एक्टर को देख रही है। और अगर कोई एक्टर उनकी तरह बस जगह पे खड़े रह के सिर्फ हाथ हिला के ऑडियंस की इतनी अप्रिसिएशन ले लेना, तो यार मैं मान जाऊँगा। तो यहाँ पर भी बॉबी डार्लिंग का जो लॉजिक है, जो बातें, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, अगर वो इतने बड़े क्रिटिक है तो। इसके अलावा राधे के जो सॉन्ग्स है उसका ग्राफ धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी कि सिटी मार लोगों ने बहुत देखा, फिर उसके बाद जो दिल दे दिया है वो फिर ऑडियंस ने उतना नहीं देखा, फिर जो राधे टाइटल ट्रैक है वो भी ऑडियंस ने उतना नहीं देखा। तो मैं इतना ही बोल दूं कि यस, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सिटी मार सबसे कम दिनों में इतने ज़्यादा व्यूज़ लिया, मतलब एक रिकॉर्ड सेट किया, उसके बारे में तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि तारीफ हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ बुराई करेंगे। तो मैं चचा को इतना बोल दूं कि यार रिलैक्स है, जितना बड़ा हो जाए फालतू के हेट मत फैलाओ, कुछ भी मतलब नहीं। और आज जूम जूम सॉन्ग आने वाला है, अब उस पर आप जो गंद मचाने वाले वो ऑडियंस ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी है। अगर आपने कुछ भी गलत बोला तो उसके बाद फिर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। तो मैं इतना ही कह दूँ कि अगर आपको सलमान खान की राधे इतनी ही नहीं पसंद है, तो भाई रेडी हो जाओ,
13 तारीख को जैसे ही ये मूवी रिलीज होती है उसके बाद जो आपकी बारात निकलेगी वो बारात बहुत ही जोर शोर से निकलेगी। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये सिर्फ फालतू में हेट फैला रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है राधे से या सलमान खान से, बस इसको अपना 150 से 200 रुपया बनाना है और वही चीज़ वो कर रहे हैं पिछले 15 से 16 वीडियोस में, जो कि मैं बर्दाश्त किया और बहुत सारे ऑडियंस ने भी बर्दाश्त की। तो अब देखते कि आगे क्या गंद मचाते। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।